हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हेलो बच्चों, तो आप लोग पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे प्रश्नावली 2.1 का दसवां क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2, ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है, -1/2। चलिए देखते हैं इसका। तो आप जन लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कर देंगे, ठीक। और ये भी माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2, ठीक। अब इसका मुख्य मान तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक। मतलब इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 होता है कॉस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस 60 अंश समान आप 1/2 होता है तो पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 साइन 30 अंश समान एक कोटि 2 होता है तो पाई बाई, हम इसको लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, पाई बाई 4 हो गया प्लस पाई माइनस इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स का थीटा, थीटा हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका 4 और 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा प्लस यहाँ 12 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 पाई हो जाएगा और माइनस यहाँ 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 12, 12 3 15, 15 में से 4 घटाएंगे, 11 से 2 घटाएंगे 9, यानी 9 पाई बटे क्या हो जाएगा 12, इसको हम लोग घटा देंगे तो 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3, यानी cos 60 अंश समान होता है प्लस 2 और साइन इनवर्स, इसको हम साइन क्या लिखते हैं पाई बाई 6, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स का थीटा यानी पाई बाई 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, इसको हम हल करेंगे तो पाई बाई 3 और प्लस इसको कटा देंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी इसका मान हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का जो मान होगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि यदि sin x = y तब इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है ना। तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए चूंकि साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ एक्स बराबर वाई में जो वाई का मान होता है कि ना, वाई का मान होता है पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यानी इस वाई का जो मान है इसके बराबर भी होगा और इससे बड़ा भी होगा, ठीक ना, और इससे छोटा होगा इसके छोटे के बराबर, यानी इससे बराबर और इससे छोटा। यानी इससे हमको देखने से मिलता है कि जो y का मान होगा यानी जो साइन और सेक्स का जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, वो भी किसमें होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। यानी इससे इसके बराबर उससे बड़ा और इससे बराबर इससे छोटा। तो इसमें हमको विकल्प नंबर बी में ये दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, ठीक है। विकल्प बी क्या है, सही है, ठीक है।
हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि टैन इनवर्स 33 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 का मान कौन सा होगा, ठीक है ना, इसमें कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं टैन इनवर्स अंडर 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 है, तो टैन इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई बाई क्या पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 यानी 60 अंक का मान होता है, माइनस इसको माइनस हटाने से पाई लगाएंगे, ठीक ना, पाई माइनस क्या हो जाएगा sec इनवर्स, ठीक है, sec इनवर्स sec 30 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, यानी 60 अंक का मान होता है ना, sec 60 अंक का मान 2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा यानी पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस इसको हम लगाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई माइनस 3 माइनस 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें विकल्प बी सही है, तो लिख देंगे अतः विकल्प बी क्या है, विकल्प भी सही है, ठीक है, ये आपका। तो इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.2, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यही खत्म किया जाता है, आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और एक बार आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।